मोतिहारी के चकिया में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अब्दुल कयूम ने बैठक के दौरान कहा कि सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को अपने लाइसेंस का रिन्यू कराना होगा, ये अनिवार्य है। वहीं उन्होंने बताया कि जिन पैक्स दुकानदारों द्वारा लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया जा रहा है वैसे दुकानदारों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जिन डीलर के पास राशन शेष है उन्हें पास मशीन के हिसाब से उसकी पूरी जानकारी आपूर्ति पदाधिकारी को देनी है। वहीं उन्होंने बताया कि डीलर अपने पास बचे हुए चने को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जमा कर उसकी रसीद आपूर्ति पदाधिकारी के यहां जमा कराएं। मसला है हमारे साथ चलना, वो जो लौट आना है ICDS को, आज उसी के बारे में सभी डीलर चकिया प्रखंड के हम बुलाए थे, साफ चलना को लौट आने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही अभी अप्रैल माह में SIO समय पर लगाने और डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज बढ़ाने के लिए आज एक मीटिंग रखी गई थी, जो आज डीलरों के साथ हम इस मीटिंग को